हैप्पी वैलेंटाइन डे। हमारे चने गर्म हो गए हैं। ये कॉन्फिडेंस। Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। YouTube वीडियो तो आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ये रेडेड क्या पकड़ा हुआ है और किस चीज तैयारियां हो रही हैं। आप लोग बस चल गए होगा कि आज वैलेंटाइन डे है, बल्कि कल वैलेंटाइन डे है, रात 12 बजे हो जाएगी कल। तो उसकी वजह से मैंने गिफ्ट देना है मम्मा को और सरप्राइज है उनके लिए सारा कुछ। तो इसलिए मैं अभी मैंने पूरी बास्केट बनाई है, आपको मैं घर जाकर दिखाऊंगी कैसी बास्केट बनी है। तो आप लोगों ने ऐसी वजह साथ रहना है, तो देखते हैं क्या होता है। So, ये आगे मेरे ब्लोन। ओह माय गॉड, हैप्पी वैलेंटाइन डे। अभी हैप्पी वैलेंटाइन डे होने वाला है, फिर हम करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे घर जा रहे थे, क्योंकि घर जाके मैंने वैलेंटाइन डे वगैरह के सब कुछ पिक्चर बनानी थी। मैंने सोचा साथ साथ व्लॉग भी शूट कर लेते हैं आज के दिन का, क्योंकि इतने दिनों से मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था। तो अभी हम घर जा रहे, फिर देखते हैं हम क्या करें। हर दिन मनाना चाहिए मम्मा। तो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ और अब बारी है वैलेंटाइन डे की शूट करवाने की। भी टाइम हुआ है 10 बज गए, ठीक है 12 बजे है वैलेंटाइन डे, मतलब कि कल हो जाना है। तो फिर उससे 12 बजे से पहले पहले मुझे पिक्चर अपलोड करनी है इंस्टाग्राम पे, और इसलिए अब मैं जल्द जल्द से अभी मैं आपको दिखाती हूँ सारा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं पिक्चर कैसे बनाऊंगी आप लोगों का। रात तक मेरा व्लॉग सारा देखने को मिलेगा, तो इस व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अब मैं पिक्चर वगैरह बनाने जा रही हूँ, इसी कपड़े में बनाऊंगी क्योंकि कल मैं डालूंगी ना वैलेंटाइन डे का, तो ड्रेस कल ही डालूंगी क्योंकि वो कल है वैलेंटाइन डे। अभी जस्ट मैंने रात के 12 बजे तक थोड़ा सा शो किया मारनी वैलेंटाइन डे की। अभी मैं सारी पिक्चर बनाऊंगी, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ, और मेरा फोटोग्राफर कौन है वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो अब मैंने जो डेकोरेशन की चीजें रही थी वो बाहर निकालती हूँ, फिर हम पिक्चर क्लिक करते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या करती हूँ। सो ये है, मामा पकड़े उधर रख दें बेड पे, ये तो निकल ही नहीं रहे, तो निकलने का नाम नहीं ले रहे। नहीं ऊपर नहीं खत्ता आया, ये मेरे बलून। तो अब मैं करती हूँ फोटो शूट अपना, करवाती हूँ अपनी बहन से। मेरे सब मुझे पूछते हैं आपा कौन कैमरा मैन है, कौन कैमरा मैन है। तो मेरी सिस्टर है मेरा कैमरा मैन, उसके मैं दिखाऊंगी नहीं। तो लेकिन मैं अभी बता रही कि वो मेरी सिस्टर कैमरा मैन है और वो भी पिक्चर बनाएगी, तो मैं आपको सारा दिखाऊंगी, तो आपने ऐसे मेरे साथ रहने। तो अभी अभी मैं सोचा इंट्रो ले रही थी, मैंने सोचा पहले आप लोगों को मैं दिखा दूँ कैसे मैं सर सवर के बैठी हुई हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा मैं फिर पिक्चर क्लिक करती हूँ, पहले मैंने अपनी बहन को कहा एक अच्छी, तो उसने अच्छी तरीके से पहले व्लॉग बनाया, क्योंकि आप लोग सब वेट कर रहे थे मेरे हर एक दिन के व्लॉग का, तो फिर व्लॉग तो बनना ज़रूरी था, इसलिए पहले मैंने व्लॉग बनाया फिर मैंने पिक्चर क्लिक की। हे एवरीवन, तो गुड मॉर्निंग, आज है वैलेंटाइन डे और आप लोगों को मैंने रात को दिखाया था कि कैसे मैंने सब शूट किया था और बहुत मज़ा आया था रात का। मैंने काफ़ी वीडियोज वगैरह बनाई थी, वो मैं आपको इस व्लॉग के एंड में दे दूंगी, क्या क्या पिक्चर वगैरह सब कुछ दे दूंगी। तो अब बज चुके हैं सुबह के 1, गुड मॉर्निंग तो नहीं है बट मेरी गुड मॉर्निंग है क्योंकि मैं इस टाइम ही उठती हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने मामा बाबा के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने, क्योंकि क्योंकि हम सिंगल हो गए, हम सिंगल लोगों का वैलेंटाइन डे अपने पेरेंट्स के साथ ही होता है और अच्छी बात है, हलाल का वैलेंटाइन डे होना चाहिए। किसी का बॉयफ्रेंड के साथ वैलेंटाइन डे मना के क्या करना, जब तक आप लोगों की शादी नहीं होती। तो अब मैं रेडी होती हूँ, कुछ पिक्चर क्लिक करूँगी। आप लोगों को पता है मैं पिक्चर के मामले में कितना ज़्यादा क्रेजी हूँ, तो पिक्चर तो मैं क्लिक करूँगी करूँगी। तो मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करूँगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने ऐसे मेरे साथ रहना है और ऐसे मेरा व्लॉग देखते रहना है, तो ऐसे मेरे साथ रहेगा। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ और हमारा मेरा पाइप टूट ही हो गया, पता नहीं कोई काम वाली ले गई हमारा पाइप, मम्मा वो देख रही हूँ आई हूँ। तो मुझे भूख इतनी लगी सुबह, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तो अभी ये मेरा, ये देखो ये हलवा पूड़ी है,
हैं, और ये चने हैं तो भाई किसी ने गर्म करके नहीं दिए, तो मैं चने पकड़े खाऊंगी, उसके बाद हम तैयार होंगे। और मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ, ये ड्रेस है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये ड्रेस है मेरा, मुझे इंस्टाग्राम से प्यार आया था और बहुत प्यारा नेट का ड्रेस है, तो मैंने सोचा मैं यही ड्रेस आज पहनूंगी, और मैं गुंडी चिर गया, तो मैंने सोचा मैं यही ड्रेस आज पहनूंगी, तो अब इसको हम ड्रेस करेंगे, फिर मैं ये ड्रेस पहनूंगी, तो मैं यहाँ रख देती हूँ, अब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, देखती हूँ फिर हम तैयार होते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सेम है, धोती नहीं है, ओवन में करते हैं मम्मा गरम। इतनी दिनों से मैंने व्लॉग भी नहीं शूट किया था, तो आज मैं व्लॉग भी शूट कर रही हूँ साथ साथ, और वेलेंटाइन डे भी मैं आ रही, क्या वेलेंटाइन डे क्या मनाना, मैं खाना भी नहीं खाया सुबह का, सुबह नीचे लेके जाना, नहीं मैं आप गर्म करते मैं नीचे ले जाती हूँ, वहाँ जाकर खा लूँ, और आप सब मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों ने अपना वेलेंटाइन डे कैसे मनाया, किसके साथ मनाया। हम सिंगल लोगों को कोई वेलेंटाइन डे नहीं होता, हम सिंगल लोग बस घर में वेलेंटाइन डे मनाते हैं, थोड़ा सा बाहर होटलिंग वगैरह कर लेते हैं, बस ये हमारा वेलेंटाइन डे होता है, असर वेलेंटाइन डे जो होता है ना वो मैरिड लोगों का होता है, बेचारे बाहर खाने खाते हैं यार, एक दूसरे को फ्लावर देते हैं, हाय आमना तुम्हारी ये विश है, किधर तुम्हें लेके जाएंगी, खैर आई हर चीज मुझे ना कोई बजती रहती है, दिल क्या करे, अभी मैं टेरेस पे बाहर नहीं जाऊँ, मेरा दिल नहीं कर रहा धूप पे बाहर, दिल क्या करे जब किसी को हमारे चने गर्म हो गए हैं, वाह पूरी भी गर्म करते हैं, ये हलवा है, ये पूरी है, कितनी पूरी हैं तूने, कितनी दो दो दो, सुबह की भूखी बैठी हुई हूँ, अचार वगैरह, अचार होते ना सलाद में, तो अभी मैं करती हूँ लंच कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट करो, मैं तो अभी ब्रेकफास्ट करने वाली, तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, फिर हम रेडी होते हैं, फिर हम जाएंगे, ये तो मेरा खाना आ चुका है, हम जरा ट्राई करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम मिलते हैं। ये एवरीवन मैं रेडी हो चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही ना, तो अब मैं जा रही हूँ गैलरिया, मैंने सोचा मैं गैलरिया जाऊँ, और अभी बज रहे हैं तो 7 बज रहे हैं, और बहुत लेट हम जा रहे हैं क्योंकि मम्मा बहुत बिजी थी, तो आपको पता है हर जगह मम्मा के साथ जाती हूँ, तो इसलिए हम थोड़ा सा बिजी हो गए, सो अब सब टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं गैलरी है मॉल, वहाँ पे कुछ एंजॉय करेंगे, कुछ खाना पीना खाएंगे, और जो जो मैं करूँगी आप सबको दिखाऊँगी, मैं ब्लॉग शूट करूँगी, और आप उन्हें ऐसे मेरे साथ रहें, तो देखते मैं क्या करती हूँ। तो मैं गैलरिया गई थी, गैलरिया पहुंच तो गई थी, बट वहाँ पे मम्मा ने मुझे बैठा दिया कि तुम बैठो मैं शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे पता नहीं क्या मम्मा को, जब मैं आती हूँ शॉपिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, फिर मैंने सोचा चलें कर लें आप शॉपिंग, फिर उसके बाद मेरी मनमानियाँ स्टार्ट हुई, यहाँ पर डेकोरेशन भी हुई थी, थोड़ी बहुत डेकोरेशन हुई थी, इतनी नहीं हुई थी, बट कोई नहीं खैर, उसके बाद सब देख रही थी मैं ना, असल ये झांकियाँ मार रही थी वहाँ जाके कि किस किस ने रेड कपड़े पहने हैं, बहुत कम लोगों ने वहाँ पे रेड कपड़े पहने थे, जो कपल्स थे उन्होंने तो नहीं पहने थे, लेकिन जो GFBF तो उन्होंने पहने हुए थे, खैर कोई नहीं आमरा तुम कंट्रोल करो, GFBF को देख कभी नहीं चढ़ना। खैर उसके बाद जो था खाने का व्लॉग मैंने नहीं शूट किया क्योंकि मैं भूल गई थी, उसके बाद मैंने मैग्नम ली वो खाई, तो उसके बाद हम घर आ गए, ये था व्लॉग,
तो आई होप आप लोगों को पसंद सो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और आप लोगों ने देखा ना कितनी ज्यादा डेकोरेशन हुई थी वैलेंटाइन डे की। खैर मैंने तो ड्रेस नहीं पहना था, कोई नहीं, मैंने तो ब्लैक कलर का पहना था। वैलेंटाइन डे में जरूरी नहीं है कि रेड ड्रेस ही पहनो। खैर अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट मैं कौन सा व्लॉग, कौन सा चैलेंज आप लोगों को लेके आऊँ ये सब मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।